हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी लोगों को पंडित दीनदयाल इंटर कॉलेज की तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं विश्वनाथ प्रजापति, आज आप लोगों को हम कक्षा 9 का विषय कला पढ़ाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ये देखे थे कि एक रेखा को दो बराबर भागों में कैसे विभाजित किया जाता है। आज हम लोग देखेंगे 5 सेंटीमीटर रेखा, 8 सेंटीमीटर रेखा या कितना का हो रेखा रहे उसे कई बराबर भागों में बड़ी आसानी से विभाजित कर सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर रेखा को 3 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर रेखा ले लेते हैं। क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे जो हो जाएगा हमारा क और हो जाएगा हमारा ह। ये हमारा 5 सेंटीमीटर का रेखा है, इसको हमें 3 बराबर भागों में विभाजित करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क को हम केंद्र मानते हैं और इसी बिंदु पर एक न्यून कोण हम खींचते हैं। न्यून कोण हम खींचेंगे। अब यहां से हम चादर ले लेंगे, क्या किसी माध्यम से हम न्यून कोण का ज्ञात करके हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए हमारा कोण तक गया, कोई दिक्कत। अब इस जो हम न्यून कोण का जो निर्माण हम किए हैं, इसको कई भाग में बांटना है, 3 भाग में बांटना है, या तो अगर 5 भाग में विभाजित करने के लिए तो हम इसको 5 भाग में विभाजित करेंगे, 8 भाग में विभाजित करने के लिए तो 8 भाग में विभाजित करने के लिए हम इसको 8 भागों में विभाजित करेंगे। लेकिन हमारा क्वेश्चन है केवल 3 भागों में विभाजित करने के लिए, इसलिए प्रकार में कोई भी एक ऐसी दूरी लेंगे और उस दूरी को समान भागों में इसको हम क्या करेंगे, 3 भागों में विभाजित कर लेंगे, 1 और इसी को केंद्र मानेंगे वही दूरी होगा 2, फिर इसको केंद्र मानेंगे वही दूरी होगा, जो कि हमारा 3। अब इस तरह से 1 खाना 2 और 1 3 हो गया। अब इस तीसरे को हम यहां से ख को जो हम केंद्र माने, ख को हम क्या करें, यहां से इसको ड्रॉप करके हम क्या करेंगे, ऐसे मिलाएंगे। ठीक, फिर इसी तरह से हम क्या करेंगे, अब इसी के समांतर रेखा यहां खींचना है, तो ये समांतर रेखा कैसे खींचेंगे, इसको हम केंद्र मानेंगे, कोई भी चाप लेकर के दूरी लेकर के चाप हम क्या करेंगे, ज्ञात करते हैं जो हम लगाएंगे, पुनः यही दूरी होगा इसको केंद्र मानेंगे, एक चाप हम यहां लगा लेंगे, पुनः वही दूरी होगा इसको केंद्र मान करके एक चाप हम क्या करेंगे, इसे लगा लेंगे। अब लगाने के बाद फिर प्रकार हम क्या करेंगे, इसको हम माप लेंगे और मापने के बाद हम क्या करेंगे, चाप यहां लगाएंगे वही दूरी का इसको केंद्र मानेंगे, एक चाप यहां लगाएंगे। अब इसी के समांतर रेखा खींचने के लिए जहां ये आता है इसको और इसको केंद्र से मिलाते हुए हम क्या करेंगे, ऐसे ज्यादा खींचेंगे, इसको मिलाते हुए ऐसे हम खींचेंगे। इस तरह से देखिए ये जो 5 सेंटीमीटर का रेखा था, अब ये हमारा 1 भाग 2 भाग 3 भाग हम कर दिए। इस तरह से कोई भी सवाल आप लोगों को आ जाए तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 3 भागों में बांट लेंगे या 5 भागों में विभाजित कर लेंगे। इसलिए आज आप लोगों का यह चरण रहेगा, पहला क्वेश्चन 6 सेंटीमीटर रेखा को 5 भागों में विभाजित करना है। और दूसरा क्वेश्चन है 8 सेंटीमीटर रेखा को 6 भागों में विभाजित आप लोगों को करना है। इस तरह से अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक रेखा को 2 संबंधित 3 अनुपात में या 4 संबंधित 5 अनुपात में कैसे विभाजित किया जाता है वह लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।